तो चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसका मतलब होता है जब एक पार्टनर बाकी सारे पार्टनर के कंसेंट से, कंसेंट मतलब मर्जी से, बिजनेस के बाहर चला जाता है। तो अगर कोई बोले कि मीनिंग क्या होता है इसका, तो मीनिंग होता है व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर लेफ्ट द बिजनेस फ्रॉम द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जब एक पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर, बिजनेस छोड़ देता है बाकी सारे पार्टनर के मर्जी से। इस चैप्टर में करने का रिटायरमेंट मतलब जा रहा है, बट उसको करने का रूल क्या है, मतलब रिटायरमेंट करेंगे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा। तो जो भी चीजें हम लिखा रहे हैं वो रूल्स है एक रिटायरमेंट के सम को करने का। इसको ध्यान से लिखो और याद करते जाओ। देखो, रिटायरमेंट जब होता है तो जो भी पार्टनर जा रहा है वो अपने हिस्से का कैपिटल लेकर जाता है। तो वो बिजनेस से अपने हिस्से का क्या क्या लेकर जाएगा? वो अपने बिजनेस से अपना हिस्सा का कैपिटल लेकर जाएगा, अपने हिस्से का गुडविल लेकर जाएगा। हम एक बार ऊपर लिख दिए हैं हिज शेयर ऑफ, मतलब हिज शेयर ऑफ कैपिटल, हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो अपने हिस्से का ये सब चीज लेकर जाएगा। अब इसमें कौन सा नेसेसरी अकाउंट बनता है? जब भी सम में लिखेगा नेसेसरी अकाउंट बनाओ, तो क्या क्या अकाउंट हम लोग बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। ये तीन चीज हम लोग को बनाना होगा जब भी बोलेगा नेसेसरी अकाउंट बनाओ। नंबर थ्री, इन रीवैल्यूएशन अकाउंट ओनली इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज विल अपियर। इसमें सिर्फ असेट और लाइबिलिटी का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना ही आता है। याद रहे, इसमें कोई भी एसेट और लाइबिलिटी अगर बढ़ रहा है या फिर गिर रहा है तो ही आता है। व्हेन ही टेक्स हिज शेयर ऑफ गुडविल ही विल टेक इट इन गेनिंग रेशियो। जब भी वो अपने शेयर का गुडविल लेकर जाता है, हम अभी बोले वो अपने शेयर का गुडविल लेकर जाएगा, तो वो जब भी अपने हिस्से का गुडविल लेकर जाता है तो गेनिंग रेशियो में लेकर जाता है।
जिसको हम इस चैप्टर में जी आर लिखेंगे। जहां भी हम जी आर लिखेंगे मतलब हम गेनिंग रेशियो लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि गेनिंग रेशियो होता क्या है। नंबर फाइव, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहां पर बोल रहा है इलस्ट्रेशन सिक्स, पहले आराम से सम को देखो। सम में क्या बोल रहा है, हम लोग को एक बैलेंस शीट दिया है और फिर बहुत सारा एडजस्टमेंट दिया है। नीचे लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जो बनाने बोला है वही बनाएंगे सिर्फ। तो सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब एक बात याद रखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ एसेट और लायबिलिटी का बढ़ना और गिरना ही आता है और कुछ नहीं आता है इसमें। तो फॉर्मेट हम लोग का कैसे होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहां पर डेबिट और यहां पर क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें करेंगे क्या, एक चीज अपने याद के लिए, जो लोग पहली बार रिवैल्यूएशन अकाउंट कर रहा है वो लोग अपने याद के लिए वहां पर पेंसिल से लिख लो। यहां पर आता है एसेट का गिरना और लायबिलिटी का बढ़ना, और यहां पर आता है एसेट का बढ़ना लायबिलिटी का गिरना। ये पोजीशन याद रखना है, यहां पर आता है एसेट जब गिरता है और लायबिलिटी जब बढ़ता है, और यहां आता है जब एसेट हम लोग का बढ़ता है और लायबिलिटी गिरता है, ये याद रखना पड़ेगा। अब धीरे धीरे सम देखो, जय बैलेंस शीट के नीचे, जय रिटायर्स ऑन दैट डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जय बिजनेस से रिटायर हो रहा है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। गुडविल का काम बिल्कुल अलग से करते हैं, रिवैल्यूएशन में नहीं करेंगे। बी देखो, स्टॉक एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाई 10%। स्टॉक और बिल्डिंग हम लोग का 10% से बढ़ रहा है। जब स्टॉक और बिल्डिंग एसेट है, एसेट बढ़ता है तो इधर आता है, क्लियर है। तो हम लोग इधर लिखेंगे बाई स्टॉक बाई बिल्डिंग। अब बोल रहा है 10% से बढ़ रहा है, तो जो बैलेंस शीट में रहता है वो ओल्ड वैल्यूज रहता है, उसी को हम लोग बढ़ाते हैं। तो बैलेंस शीट में देखो स्टॉक कितने का है, स्टॉक 1 लाख का है। 1 लाख का जो स्टॉक है वो 10% से बढ़ रहा है, मतलब 1 लाख का 10%, दैट इज 10,000। जितने से बढ़ रहा है सिर्फ वही लिखेंगे। फिर बिल्डिंग को देखो, 1,80,000, वो भी 10% से बढ़ रहा है, मतलब 1,80,000 into 10%, मतलब 18,000। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी में देखो, प्लांट इज डेप्रिशिएटेड बाई 10%। डेप्रिशिएट हो रहा है प्लांट, प्लांट एसेट होता है, एसेट गिरता है तो इधर आता है, टू प्लांट। कितने से गिर रहा है, ये भी 10% से। तो पहले प्लांट कितना था, 1,40,000, वो कितने से गिर रहा है, 10%, मतलब 14,000। उसके बाद डी देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज इंक्रीज्ड अप टू 5,000। जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है वो अप टू मतलब 5,000 तक बढ़ गया। तो प्रोविजन पहले कितना था बैलेंस शीट में, पहले से प्रोविजन था 3,000। बोल रहा है प्रोविजन को बना दो 5,000 का, तो बढ़ कितने से रहा है, बढ़ रहा है 2,000 से। तो 2,000 से इसको बढ़ाएंगे, और प्रोविजन हमारा लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो 2 में आता है, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, नहीं बैड डेट है, मैंने लिख दिया है डाउटफुल डेट्स, एक ही चीज है वो, दैट इज 2,000। उसके बाद दिया है एडजस्ट
करने दिया कैपिटल गुडविल को, वो यहाँ का बात नहीं है। अब इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का मतलब होता है दोनों साइड को इक्वल करना। इधर है 28,000, इधर है 16,000, तो बैलेंस इधर आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटेगा। ओल्ड पार्टनर कौन है? ओम जय जगदीश। ओम जय और जगदीश, प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पर? 28,000 माइनस 16,000, दैट इज 12,000। अब इस 12,000 को तीनों पार्टनर में बांट दो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है? पहले लाइन में दिया है ओम जय जगदीश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मतलब 3:2:1 में इस 12,000 को बांट दो, तो 12,000 इंटू 3/6, 6,000 इसको, 12,000 इंटू 2/6 मतलब 4,000, और इसको 2,000, दोनों तरफ 28,000, 28,000 हो गया। इसके बाद हम लोग को बनाने बोला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो अभी हम लोग वो लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें ये कैसे बनता है? पर्टिकुलर्स, जितना पार्टनर है उतना कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, जितना पार्टनर है उतना कॉलम। ठीक है, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट, ये फॉर्मेट है हम लोग का पार्टनर कैपिटल का। अब रूल समझो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते ही सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैपिटल का बैलेंस। पार्टनर लोग का जो पहले से बैलेंस था, तो इसको लिखा जाता है बाय बैलेंस पीडी। अब देखो बैलेंस शीट में कैपिटल बोलकर पहले से दिया हुआ है ओम जय जगदीश का 1,60,000, 1,20,000 और फिर 1,20,000, ये दिया हुआ है। इसके बाद बोल रहा है, ये सबसे पहला काम हम लोग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते ही। दूसरा काम क्या करेंगे? यहाँ जो पार्टनर्स कैपिटल का ये बांटा हुआ दिखता है, इसको यहां पर उतार लेंगे, दैट इज बाय रिवैल्यूएशन, इस नाम से। सिक्स थाउजेंड, फोर थाउजेंड, टू थाउजेंड, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? इतना काम करने के बाद देखेंगे लाइबिलिटी के साइड में, देखो जनरल रिजर्व नजर आ रहा है। अगर कोई भी रिजर्व्स बैलेंस शीट में रहेगा तो उसको बाई की तरफ पार्टनर लोग में बांट देंगे, तो इसमें क्लियरली एक जनरल रिजर्व है, तो लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है? 24,000। इसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, मतलब 24,000 इंटू 3/6, दैट इज 12,000, 8,000, 4,000। ये 24,000 जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिए। उसके बाद और क्या करेंगे? और बैलेंस शीट से कोई काम नहीं है। पहला काम था कैपिटल उतारेंगे, दूसरा काम करेंगे इधर अगर कुछ आया है तो इधर क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे, तीसरा काम करेंगे अगर कोई भी रिजर्व्स है तो उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ये तीन काम हम लोग को करना ही है। अब फोर्थ काम क्या होगा? फर्म का गुडविल कितना था? गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000। फर्म का गुडविल था 60,000,
तो यहाँ पीछे वर्किंग्स में आएंगे, यहाँ वर्किंग्स में आके फर्म का गुडविल कितना है? फर्म्स गुडविल 60,000। कौन जा रहा है? जय जा रहा है। तो जो जाता है वो अपने हिस्से का गुडविल लेकर जाता है, हम रूल में लिखवाए थे। तो हम लोग को जानना है जय शेयर ऑफ गुडविल, जय का गुडविल में हिस्सा है कितना? 60,000 इंटू ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2:1। जय किस में था? बीच में, मतलब 2:6। तो जय का बिजनेस में गुडविल में हिस्सा कितना है? 20,000 रुपीज। अब वो ये लेकर चला जाएगा, किससे लेकर जाएगा? जो बचा हुआ पार्टनर है उससे, मतलब ओम से और जगदीश से, वो ये 20,000 लेकर चला जाएगा। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। जब भी कोई भी पार्टनर अपना गुडविल लेकर जाता है तो गेनिंग रेशियो में लेकर जाता है, तो इस 20,000 को भी वो लोग गेनिंग रेशियो में लेकर जाएगा। अभी गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पर इस सब में देखो क्या न्यू रेशियो दिया है? हाँ, नीचे देखो, हम लोगों को क्लियरली दिया है द अमाउंट ड्यू टू जय इज पेड आउट ऑफ द फंड ब्रॉट इन बाय ओम एंड जगदीश इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं, सम में कहीं पर भी न्यू रेशियो हम लोग को दिया हुआ नहीं है। अगर न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है तो क्या करेंगे? देखो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये क्लियर है हम लोग को? तो यहां पर हम लोग को बोल रहा है कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो हम लोग निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि जो पार्टनर जाता है वो अपना हिस्सा का गुडविल लेकर जाता है गेनिंग रेशियो में, इसलिए गेनिंग रेशियो निकालना इज इम्पोर्टेंट। और गेनिंग रेशियो हम लोग को पता है फॉर्मूला, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ओल्ड रेशियो तो दिया है 3:2:1, पर न्यू रेशियो नहीं दिया है। तो न्यू रेशियो नहीं दिया है तो हम लोग खुद निकाल लेंगे। कैसे? जो ओल्ड रेशियो में जो पार्टनर जा रहा है उसके पोर्शन को ढक दो तो क्या बचेगा? 3:1। तो इस तरह न्यू रेशियो निकल जाता है। जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से को ढक दो, जैसे ही वो उसको ढकेंगे हम लोग का 3:1 बचेगा। अब गेनिंग रेशियो क्या है? जब भी इस तरह ढक कर हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं ना, मतलब 2 को ढक कर ऐसे निकाले ना, तो अगर माइनस करके तुम लोग देख लेना, न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो आ जाएगा। मतलब ये प्रूव्ड है, तुम लोग आफ्टर क्लास घर पे बैठकर कर भी लेना, न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो माइनस करके चेक कर लेना, 3:1 ही आएगा। तो यहाँ एग्जाम में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब भी ऐसे ढक कर तुम लोग निकालोगे, याद रखना न्यू रेशियो जो आएगा वही गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, गेनिंग रेशियो 3:1 है। तो ये जो 20,000 है इसको 3:1 में दोनों जन देगा। इसको लिखा क्या जाता है? जो पार्टनर दे रहा है उसका नाम, मतलब बाई ओम्स कैपिटल बाई जगदीश कैपिटल, जो दे रहा है वो लोग का नाम। ठीक है? अच्छा नहीं, तुम लोग एक काम करो, यहां पे लिखो बाई जैज कैपिटल। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हम कंफ्यूज हो गए थे। बाई ओम्स कैपिटल और बाई जगदीश कैपिटल, बाई ओम्स कैपिटल और जगदीश कैपिटल ही लिखो। ठीक है? और जो 20,000 है उसको 3:1 में बांटो और जय के कॉलम में डाल दो, जिसको दे रहे हैं उसके कॉलम में डालेंगे। तो 20,000 इंटू 3/4, मतलब 15,000। 15,000 उसको ओम दे रहा है और 5,000 उसको जगदीश दे रहा है। ठीक है? जिसको दे रहे हैं उसके कॉलम में लिखेंगे और जो दे रहा है उसका नाम यहाँ लिखेंगे।
और उसी टाइम यहाँ पे लिखेंगे टू जैज कैपिटल, ओम में 15,000 और जगदीश में 5,000। याद रहे, इसका मतलब ये होता है कि ये लोग दोनों जैक को दे रहा है और दोनों की जगह से निकल जा रहा है, मतलब 15,000 अगर ओम इसको दे रहा है तो ओम के पास से 15,000 चला जा रहा है, इसलिए इधर पे दिखाना पड़ता है। अब आगे क्या बोल रहा है, ई देखो, जैज शेयर ऑफ गुडविल वॉज एडजस्टेड थ्रू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बोले या नहीं बोले, हम लोग दोनों के कैपिटल से ही निकाल कर उसको देते हैं, तो ये लाइन का यहाँ बोलने का अलग से कोई मतलब नहीं है। द अमाउंट ड्यू टू जैक इज पेड आउट ऑफ द फंड ब्रॉट इन बाय ओम एंड जगदीश इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जय इज पेड फुल अमाउंट, जय को जितना बिजनेस से मिलना चाहिए था उतना पूरा मिल जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे टू बैंक, मतलब बिजनेस से पैसा चला जाएगा। कितना जय को कितना देना है, पूरा इतना रुपया, तो प्लस करो 1,20,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 15,000, तो उसको मिलेगा 1,52,000। इतना हम लोग उसको पे कर दिए। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये जो पैसा हम लोग उसको दिए ये ओम और जगदीश लेकर आया है। अब सब में बोला क्या है, ध्यान से देखो, यही बस मेन बात में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी बोलेगा कि जो भी पैसा ड्यू है, मतलब हम लोग जो जय को पैसा दे रहे हैं वो हम लोग को ओम और जगदीश लाकर दे रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले ओम को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का मतलब होता है इन सबको प्लस करना और इसको माइनस करना। तो सबसे पहले ओम को बैलेंस करो, 1,60,000, 6,000, 12,000 माइनस 15,000, तो आएगा 1,63,000। तो लिखो ओम इक्वल टू देकर लिखो 1,63,000। फिर जगदीश बोलकर सेम चीज करो, मतलब जगदीश को भी बैलेंस करो, इन सबको प्लस करो और इसको माइनस कर दो, तो ये 1,26,000 है, उसे 5,000 जाएगा तो 1,21,000। अब इन दोनों को प्लस करो तो आएगा 2,84,000। इन दोनों को टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 2,84,000। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोला है कि जो भी पैसा हम लोग जैक को दे रहे हैं वो ओम और जगदीश लेकर आया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जब भी ये वाला चीज बोलेगा, ओम और जगदीश को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके दोनों का टोटल निकालेंगे और इसको एक बार 3:1, हम लोग का न्यू रेशियो क्या है 3:1, इसमें तो यहाँ पे 2,84,000 को 3:1 में दोनों में बांटो, 2,84,000 इंटू 3/4, तो इसमें आएगा 2,13,000 और 2,84,000 इंटू 1/4, 2,84,000 इंटू 1/4 दैट इज 71,000। इस तरह हम लोग बांट देंगे, बांटने के बाद ये हम लोग का कैपिटल का क्लोजिंग बन जाएगा, मतलब टू बैलेंस सीडी, मतलब जब बिजनेस आज ओपन किए थे, मतलब स्टार्ट किए थे ये सब करना, तब कैपिटल इतना था, आज जब सारा काम हो गया है तो कैपिटल इतना है, दैट इज 2,13,000 और 71,000। ये जब भी हम लोग करते हैं तो इस तरह क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। ये करने के बाद अब ओम को फिर से बैलेंस करो, देखो इस बार इधर ज्यादा है, 2,13,000 प्लस 15,000, इधर टोटल आया 2,28,000 और इसको माइनस करो, माइनस 1,60,000
-6000 -12000 तो इधर आ जाएगा 50000। तो इधर लिखो बाई बैंक 50000 और जगदीश को भी बैलेंस करूं, इधर आएगा मैम फिर से बोलो और ऐसे ही जगदीश को फिर से बैलेंस करूं तो 1,20,000 इधर 1,26,000 है -5,000 -71,000 तो इधर आ जाएगा हम लोग का 50,000 टू बैंक। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का लैंग्वेज यूज करेगा हमेशा ऐसा ही करना। इलस्ट्रेशन 10 में बोल रहा है हम लोग को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने, तो अभी हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। इसमें हम लोग को बोल रहा है इसके बाद ये वाला हम लोग को थोड़ा फास्ट करना है। इसमें बोल रहा है कि बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है तो इधर आएगा बाय बिल्डिंग 20% से। बिल्डिंग पहले कितना था 90,000, अभी उसका 20% 18,000। उसके बाद बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज इंक्रीज टू 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स कितना है 30,000, उसका 5% कितना होगा 1500। 1500 बनाने बोल रहा है प्रोविजन को और प्रोविजन पहले से है 1000, तो 500 से बढ़ेगा मतलब टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 500। उसके बाद मशीनरी डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से मतलब टू मशीनरी 10% से। मशीन पहले था 40,000, उसका 10% 4,000। गुडविल फर्म का है वो छोड़ दो, कैपिटल है ये छोड़ दो। इसको अभी बैलेंस करो, इसको बैलेंस करने से इधर पे कम आ रहा है तो 18,000 -4,500 तो इधर आ जाएगा 13,500। अब ये जो 13,500 है ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ओल्ड पार्टनर है रोहित, निशा और सुनील, मतलब रोहित, निशा और सुनील, तो ओल्ड और ओल्ड रेशियो कितना है द बैलेंस शीट ऑफ रोहित, निशा एंड सुनील हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। इसका मतलब ये होता है कि लोग प्रॉफिट शेयर करता है अपने कैपिटल के रेशियो पे, तो कैपिटल का रेशियो कितना है बैलेंस शीट में देखो उन लोग का कैपिटल कितना है 60,000 इस टू 40,000 इस टू 40,000 मतलब 3:2:2:2। जब भी कैपिटल का रेशियो निकालने बोलेगा तो ऐसे निकालेंगे। अभी इस 13,500 को इस रेशियो में तीनों में बांट दो 13,500 इंटू 3/7 मतलब 5786 3857 3857 इसके बाद इसमें अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कैपिटल उतारते हैं, तो बाय बैलेंस बीडी 60,000 40,000 40,000। अभी दूसरा काम क्या करते हैं ये वाले रिवैल्यूएशन को यहाँ लिखते हैं, तो बाय रिवैल्यूएशन 5786 3857 3857। थर्ड काम क्या करते हैं बैलेंस शीट में अगर कोई भी रिजर्व्स है तो उसको बांट देते हैं। इसमें भी देखो जनरल रिजर्व है तो यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व बोलकर बांट देंगे। जनरल रिजर्व है 22,000 तो 22,000 को भी 3:2:2 के रेशियो में बांट देंगे तो कितना आएगा 9,428 6,286 6,286। ये जनरल रिजर्व को बांट दिए। ये तीन काम तो हमेशा करना ही है। अब क्या करते हैं देखो फोर नंबर में बोला है फर्म का गुडविल है 56,000
अगर फर्म का गुडविल है 56,000, तो वही ये वाला वर्किंग हम लोग को करना होगा। लिखो वर्किंग्स, फर्म्स गुडविल कितना है, 56,000। रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है निशा। तो एंस शेयर ऑफ गुडविल, तो हम लोग को निशा के शेयर का गुडविल चाहिए। निशा हम लोग की सेकेंड वाली पार्टनर है, तो सेकेंड वाला हिस्सा लेंगे, मतलब 2/7, 56,000 इंटू 2/7। तो आएगा 16,000। ठीक है, अभी 16,000 को गेनिंग रेशियो में वो लोग दोनों इसको देगा। तो ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2:2. न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो सम में देखो, सम में न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो अगेन जो बीच वाली है उसको ढक देंगे, तो आ जाएगा 3:2:2। तो गेनिंग रेशियो भी क्या आ जाएगा, 3:2:2। तो अब ये जो 16,000 है उसको 3:2:2 में दोनों जन उसको देगा, मतलब बाय आर्स कैपिटल बाय एस कैपिटल, 16,000 इंटू 3/5, 9,600, 6,400। ठीक है, और इधर से निकल जाएगा 2 एंस कैपिटल 9,600 और 6,400। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 1,20,000। हम लोग का जो बिजनेस है उसका हम लोग न्यू कैपिटल डिसाइड किए, न्यू कैपिटल मतलब एन के जाने के बाद हम लोग डिसाइड किए हैं कि हम लोग का कैपिटल 1,20,000 ही रहेगा। मतलब ये दोनों का टोटल करके सीडी क्या होता है, दोनों का कैपिटल जो एन के जाने के बाद है, तो इन दोनों का कैपिटल 1,20,000 ही होगा। पर किस रेशियो में, जब भी नहीं बोलेगा सम की किस रेशियो में, तो हमेशा मान लेना न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो कितना था, 3:2, तो 1,20,000 को दोनों में बांट दो, 1,20,000 इंटू 3/5, इसको दे दो 72,000 और इसको दे दो 48,000। ये हम लोग क्या किए, 1,20,000 को न्यू रेशियो में दोनों में बांट दिए, 1,20,000 हम लोग का कैपिटल है। ये करने के बाद अब आर को बैलेंस करो, बैलेंस करना मतलब 60,000 प्लस 5,786 प्लस 9,428 माइनस 9,600 माइनस 72,000, इधर बैलेंस बच रहा है, तो हम लोग लिखेंगे बाई बैंक। लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसको बैंक कहते हैं, तो बाई बैंक देकर इसमें 6,386 और एस को बैलेंस करो, इसका भी इधर पे ही आएगा 4,257। अब एन को बैलेंस करो, इसको तो हम लोग पे कर देंगे, तो टू बैंक। अच्छा, अगर सम में कहीं पर लिखा नहीं है कि हम लोग एन को पे कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग एन को पे नहीं कर रहे हैं। जैसे लास्ट सम में क्लियरली बोल दिया था कि पेड फुल अमाउंट, हम लोग जो जा रहा है उसको पूरा पैसा दे दिए, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हम लोग पूरा पैसा दे दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, एन के नाम का एक लोन खोल लेंगे, टू एन्स लोन। अब एन को बैलेंस किए हैं तो 6,614,3 आया है।
लास्ट सम में हम लोगों को नहीं बोला था बैलेंस शीट, इस सम में बोल रहा है बैलेंस शीट, तो बनाना पड़ेगा। तो लिखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबको पता है, यहाँ लाइबिलिटी आता है, फिर रुपीज, एसेट रुपीज, हम वो सब नहीं कर रहे हैं। अब बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं ध्यान से देखो, जो जो आइटम पुराने बैलेंस शीट में था वो सारा चीज न्यू बैलेंस शीट में भी होगा। तो एसेट साइड देखो, सबसे पहले क्या है, मशीनरी, तो यहां पर लिखो मशीनरी। मशीनरी पहले कितना था, 40,000। फिर ये जब भी बैलेंस शीट बनाना, रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखते हुए बनाना, तो मशीन देखो 4,000 से गिरा था, तो पहले मशीन था 40,000 का, अगर वो 4,000 से गिर गया है, मतलब अब 36,000 का ही मशीन बचा है। उसके बाद है बिल्डिंग, ये हम पुराना बैलेंस शीट को देख रहे हैं, उससे बना रहे हैं, उसका हेल्प ले रहे हैं। तो फिर है हम लोग का बिल्डिंग। बिल्डिंग पहले कितना था, 90,000, और रिवैल्यूएशन देखो 18,000 से बढ़ा था, तो कितना हो जाएगा, 1,08,000। उसके बाद है डेटर्स, डेटर्स कितना है, 30,000, उससे लेस होता है हमेशा पीएफ पीडी, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट। एग्जाम में कोई तरीके का शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, वो लोग गोल कर देंगे ऐसे। कितना हो गया था, 1500, क्योंकि 1000 पहले से था, 500 से हम लोग बढ़ा दिए थे, मतलब 1500 हो गया, दैट इज 28,500। उसके बाद बोल रहे हैं स्टॉक, स्टॉक में इस सम में कोई चेंजेस नहीं था, इसलिए जैसा था एज इट इज लिख दो, 23,000। उसके बाद कैश एट बैंक, पहले से कितना था, 18,000। उसके बाद ये दोनों इतना इतना लेकर आया, बाई बैंक मतलब पैसा लाना, तो इतना इतना रुपया लेकर आया, तो ये भी प्लस कर दो, 6,386 प्लस 4,257। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड को देखो, सबसे पहले है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में हम लोग का कोई चेंजेस नहीं था, तो एज इट इज लिख दो। उसके बाद है बिल्स पेबल, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, 13,000। उसके बाद है जनरल रिजर्व, वो तो हम लोग पार्टनर में बांट दिए थे, तो खत्म हो गया। कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल किसका बचेगा, सिर्फ रोहित का और सुनील का, क्योंकि अब निशा नहीं है, सिर्फ रोहित और सुनील। ये जो यहाँ पर हम लोग सीडी बोलकर लिखते हैं, ये हम लोग का कैपिटल है, सीडी बोलकर जो लिखा रहता है वो मेरा कैपिटल है, 72,000 और 48,000, 72,000, 48,000, मतलब 1,20,000। एक एन का लोन भी है, तो एन लोन भी होगा, एन का लोन कितना है, 6,6,6,6,1,4,3। दोनों साइड देखो टैली हो रहा है या नहीं। हाँ मैम हो गया, 2,24,1,4,3 कितना आएगा, 2,24,1,4,3 2,24,1,4,3 हाँ, इस तरह ये टैली हो गया। अगर रेशियो इस तरह दिया रहेगा, सी टी और जी, 1/2, 1/6 और 1/3, तो हम लोग को रेशियो निकालने के लिए तीनों का डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो सबसे बड़ा क्या है, 6, सबसे बड़ा 6 है, तो सबको 6 बनाना होगा, तो इसमें 3/3 कर देंगे और इसमें 2/2,
इसमें आ जाएगा 3/6, इसमें तो 1/6 है ही, और इसमें आ जाएगा 2/6, तो तीनों में ही अब नीचे 6/6 हो गया, मतलब 6/6 हो गया, तो ओल्ड रेशियो आ जाएगा 3:1:2. ठीक है, उसके बाद अश्वनी मेरे को बोलो इसमें नेक्स्ट आइटम क्या लिख सकते हैं. मैम जनरल रिजर्व बाई जनरल रिजर्व कितना होगा? 12,000, 8,000 और 4,000. आह